जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। सबसे पहले इतना प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 2023 में इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए ट्वेल्थ जिनका बोर्ड का एग्जाम्स होने वाला है, ट्वेल्थ का 2023 में बोर्ड का जो पेपर होने वाला है, तो 2023 के लिए इंटरमीडिएट में हम प्रैक्टिकल का कॉपी किस तरह से लिखेंगे, में किस तरह से प्रैक्टिकल और कितने प्रैक्टिकल लिखेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में हमें 30 में 30 मार्क्स यानी कि आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स प्राप्त हो सके, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रैक्टिकल रसायन शास्त्र का है, केमिस्ट्री का है, ये हमारा क्या है, बुक है, और ये है नोटबुक। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं, नोटबुक से समझ लेते हैं, दोनों को हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। ये हमारा बुक है और नोटबुक। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ नोटबुक को कैसे फिल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले इस बुक को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका नेम का बॉक्स दिया हुआ है, नेम है, क्लास, रोल नंबर, एग्जाम नंबर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्यारा सा नेम पुट कर देना है, क्लास, क्लास आप लिख दीजिएगा ट्वेल्थ। ओके, उसके बाद रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और एग्ज़ाम नंबर आप छोड़ भी सकते हैं या टीचर से अपने पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस में आप क्या करिएगा, जहाँ स्कूल का या कॉलेज का आपका नाम है, जो जहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ यहाँ पे प्यारा सा उसका नाम लिख। उसके बाद आगे समझते हैं, कह रहा है दिस इज सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स इन द, इसके बाद खाली स्थान है, लेबोरेटरी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, यहाँ भी खाली स्थान है। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे क्या फिल करेंगे। जैसा कि हम डिस्कस किए कि हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट्री लेबोरेटरी ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। आप शामिल कब हो रहे हैं, आपका सेशन क्या है, तो आपका सेशन 21 से 23 है, तो 2021 से और यहाँ पे 2023 पुट हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सर्टिफाइड, ओके, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आप कितने लिखेंगे। ओके, तो जैसे 10 हमारा टोटल प्रैक्टिकल है, 10 में आप 10 लिखते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, और अगर 14 प्रैक्टिकल है, 14 में आप 10 लिखते हैं तो यहाँ पे, या 12 लिखते हैं तो यहाँ पे 12 आउट ऑफ 14 इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टीचर इंचार्ज, यहाँ पे टीचर सिग्नेचर का नहीं, एग्जामिनर्स का यहाँ पे सिग्नेचर और प्रिंसिपल सर का यहाँ पे सिग्नेचर्स, और यहाँ पे आपका डेट दिया हुआ है, तो जिस डेट में आप कॉपी को जमा करिएगा उसका डेट यहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब पेज को हम समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज हमारा इंडेक्स है, तो इंडेक्स में आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल लिखिएगा तो प्रैक्टिकल में आपको क्या यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का आप यूज़ मत करिए। नहीं, चलिए इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स हमारा ये है, देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है सीरियल नंबर का, और ये आपका बॉक्स है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, पेज नंबर भी है, डेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट और डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क्स। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब हम पहला प्रैक्टिकल लिखेंगे, ठीक, जैसे हम देखते हैं, अब बुक से समझ लेते हैं, इस तरह से हमारे ये बुक है, बुक को जैसे ही ओपन करते हैं तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे विषय सूची लिखा हुआ है, तो आपका देखिए प्रैक्टिकल लिखा हुआ, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 3, प्रयोग संख्या 4, 5, इस तरह से आपके 6, 7, 8, और इस तरह इधर भी हम देख लेते हैं तो 9, 10, 11, प्रयोग संख्या 11 तक पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है हम इसके बारे में भी बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तो टोटल हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कितना है, 11 है, कितना है, 11 है। तो आपको क्या करना है, जैसे 11 में मिनिमम आपको प्रैक्टिकल कम से कम नहीं, आपको सभी प्रैक्टिकल लिख लेना है, क्योंकि छोटा छोटा प्रैक्टिकल है, सब एक एक प्रैक्टिकल लिख लेंगे। जैसे देखिए पहला प्रैक्टिकल है यहाँ पे प्रयोग का नाम, तो ये इंडेक्स में आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपका इंडेक्स लिखा, सीरियल नंबर में 1 लिखिएगा, और लिखने के बाद 1 लिखने के बाद प्रयोग संख्या 1 है, एक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक द्रव्य स्नेही तथा एक द्रोही विलयन बनाना, प्रयोग संख्या 1 निकालते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो ये हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट को सीरियल नंबर देकर हम क्या करेंगे, प्रयोग का नाम, ये वाला जो है ये प्रयोग का नाम हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में लिख देंगे, और पेज नंबर, पेज नंबर आप लिख दीजिएगा, जैसे फिल करिएगा पेज नंबर 1 के बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप जिस दिन से, उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप जब भी प्रैक्टिकल लिखिएगा
ओके, तो उसका आप डेट दे दीजिएगा, कौन से डेट में आप प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। डेट ऑफ सबमिशन आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, थीसिस फिल करेंगे, उसके बाद रिमार्क्स, इसको भी खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट पेज को हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम नेक्स्ट पेज में आए तो यहाँ पे सबसे कॉपी पे टॉप पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर। तो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर में क्या करना है, आपको आप पहला प्रैक्टिकल लिख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा जिस डेट में लिख रहे हैं। जैसे आज के डेट में लिख रहे हैं, आज कौन सा डेट है, आज हो जाएगा आपका 10/10/2022। ओके, पेज नंबर आपको फिल करना है तो यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, यहाँ से 01 लिखेगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि पेज नंबर अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे, 01, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 02, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 03। इसी तरह से पेज नंबर हम क्या करेंगे, फुट करते चले। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रैक्टिकल 1 में आवश्यकताएं, तो आवश्यकताएं आप यहाँ ब्लैक पेन से डार्क में स्टार दे के लिख सकते हैं आवश्यकताएं, और अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद ब्लू पेन से आपको क्या लिखना है, स्टार्स, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब जो दिया हुआ है ये सब को क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लू पेन से लिख देना है। उसके बाद फिर 2 लाइन कम से कम, अगर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरा फिल हो गया, तो 2 लाइन छोड़ के आपको फिर क्या करना है, स्टार देके अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अगला पॉइंट है आपका सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे और ऐसे करके अंडरलाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद ब्लू पेन से आपका जो भी सिद्धांत लिखा हुआ है, हम सिद्धांत को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि नेक्स्ट प्रक्रिया, जैसे जैसे आपको देखिए यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है ये सब, तो जो रेड पेन से लिखा हुआ है आपको वो चीज़ क्या करना है, ब्लैक पेन से डार्क में लिख लेना है। हाँ, उसके बाद ये पूरा लिखने के बाद देखिए प्यारा सा एक फिगर है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक फिगर प्यारा सा लिखने के बाद आप ये पेज, इस पेज के बाद या कोई भी पेज आप जब लिख लीजिएगा इधर, तो अगला साइड जो बचेगा आपका व्हाइट पेपर, तो ये साइड हम क्या करेंगे, ये साइड हम इस फिगर को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। और इस फिगर को किस चीज़ से ड्रा करेंगे, पेंसिल से, याद रखिएगा 100% पेंसिल से साफ स्वच्छ और सुंदर फिगर यहाँ पे ड्रा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने सारे प्रैक्टिकल हैं, 11 प्रैक्टिकल है, तो 11 ही लिख लेना है, टोटल 11 लिखना है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि प्रयोग संख्या 7 में आप देख रहे हैं कि 2 प्रैक्टिकल है, तो इसमें से आप एक लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रयोग संख्या 8 में आपको क्या करना है, इसमें भी 2, तो एक लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के बारे में क्या है कि आपका 5 प्रोजेक्ट दिया होता है, मिनिमम आप 2 भी बना सकते हैं, नहीं तो 3 भी बना सकते हैं। मिनिमम प्रोजेक्ट पेपर मार्केट से खरीद लीजिएगा, और खरीदने के बाद प्रोजेक्ट पेपर जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका मैटर जो है, उस प्रोजेक्ट पेपर पे, कलरफुल प्रोजेक्ट पेपर पे आप प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके सामने इसी तरह के कंटेंट और बोर्ड एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चंस का कंटेंट अपडेट लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।